नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपर चपर पे। आज की हमारी रेसिपी है इमली की चटनी, और वो भी मीठी वाली। इमली की चटनी बनाना बहुत ही आसान है, जिसे हर कोई आसानी से अपने घर में बना सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है स्वादिष्ट और बढ़िया इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप इमली का पल्प ले लिया है, और अब इसमें हम 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे। आँच हमने एकदम धीमी रखी हुई है, और धीमी आँच पे हम अच्छे से इमली के पल्प के साथ गुड़ को पिघला लेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से इमली के पल्प में पिघल चुका है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट तक हमें कुक करना है। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारी इमली की चटनी बन करके पूरी तरह तैयार है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, इसी थिकनेस में हमें इसे रखना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो बस तैयार है बढ़िया और स्वादिष्ट इमली की चटनी। इसे आप समोसे, कचौरी, रगड़ा चाट, आलू चाट या जिस किसी के साथ भी हो, मज़े से खाएं, स्वाद लें, आनंद लें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।